हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, एनटीए यूजीसी नेट का जो आपका एग्ज़ाम है, रिसेंट नोटिफिकेशन के अनुसार आपका एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। यानी परीक्षा का जो पैटर्न है वो आपका बदल चुका है और इसमें काफ़ी बदलाव हैं जो आपके इस बार किए गए हैं। अगर हम मोटी मोटी बात करें तो चार बड़े बदलाव हैं जो इस बार के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो इन बदलावों के बाद में क्या एनटीए यूजीसी नेट का जो एग्जाम आपका होगा जून वाला, इसमें क्या कट ऑफ पे असर पड़ेगा? क्या आपको जो पहले मार्क्स लाने पड़ते थे सिलेक्शन के लिए, नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए, क्या उसमें आप कुछ अंतर आने वाला है? क्या आपको ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा? तो आज का सेशन इसी के ऊपर हमारा बेस है। ये बेसिकली एक डिस्कशन सेशन है आपका, जिसमें मैं आपको कुछ इंसाइट्स देने वाला हूँ, कुछ आपके साथ में कुछ डेटा है, कुछ फैक्ट्स है आपके साथ में शेयर करूँगा कि क्या इस बार आपका एग्ज़ाम टफ होने वाला है, आपको क्या थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी है, कट ऑफ क्या जा सकती है, सेफ स्कोर क्या हो सकता है। देखो, कट ऑफ का तो अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं, लेकिन एक सेफ स्कोर को हम डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ तो भाई पेपर आएगा, पेपर का लेवल आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बैठेंगे उस पर डिपेंड करेगी। अभी हम एक अनुमानित सेफ स्कोर है उसको हम बता सकते हैं, क्योंकि हम तैयारी करेंगे तो हमारे पास में कोई टारगेट जरूर होना चाहिए। बिना टारगेट के तो हम किस तरह से तैयारी करें कि भाई हमें कितना स्कोर करना होगा, पेपर वन में कितने मार्क्स लाने हैं, पेपर टू में कितने मार्क्स लाने हैं। तो ये डिस्कशन है जो आज के सेशन में हम करेंगे। तो शुरू करने से पहले एक बार आप सब लोग, जितने भी लोग हैं, सेशन को थोड़ा सा शेयर कीजिए, जिससे बाकी लोग भी हमसे जुड़ पाए। दो तीन चीजें हैं जो आपके साथ में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। एक तो देखो, अभी अपना फतेह बैच है जो स्टार्ट हो रहा है, और फतेह बैच में कंप्लीट पेपर वन की तैयारी है जो आपको करवाई जा रही है। ये आपका क्रैश कोर्स है, और ये जो क्रैश कोर्स है दोस्तों, इसके साथ में आपको 100 पेज के नोट्स हैं जो मिलेंगे, रिवीजन नोट्स, प्लस आपको टेस्ट सीरीज है जो इसके साथ में मिलने वाली है। और इसकी प्राइस है वो बहुत ही नाममात्र प्राइस है, 999। साथ में दोस्तों आपको GRF20 कोड लगाना है, और GRF20 कोड लगाते ही आपको तुरंत यहां से डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप पर जाकर आपको आपका फतेह बैच है जो मिलने वाला है। साथ में पेपर वन की टेस्ट सीरीज भी है, 10 टॉपिक वाइज, 10 फुल लेंथ, टोटल 20 टेस्ट है जो आपको इसमें मिलेंगे। इसके अलावा हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज भी आपके लिए अवेलेबल है, पेपर टू हिस्ट्री जिसका है वो आपको यहां से मिल जाएगा। और ये सब आपको मिलने वाला है अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप पर मिलेगा आपको। ये सारी चीजें कहां पर मिलने वाली है? अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप पर। तो अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो हमारी सपोर्ट टीम को कॉल करके आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, चलो जी, तो अब बात करते हैं आज अपने मुद्दे की। बात ये है कि एग्जाम पैटर्न है वो आपका बदल चुका है, ठीक है? परीक्षा का जो पैटर्न है वो आपका बदल चुका है, और इसमें सबसे बड़ा बदलाव जो आपका आया है दोस्तों, वो दो बड़े बदलाव हैं जो यहाँ पर आपके देखे गए हैं। एक तो बड़ा बदलाव ये है कि अब जो कट ऑफ है वो तीन कैटेगरी में आएगी। कट ऑफ जो है वो आपकी कितनी कैटेगरी में आएगी? तीन कैटेगरी में। पहला सबसे बड़ा बदलाव ये है, और इससे डेफिनेटली आपकी कट ऑफ है वो स्लाइडली आपकी डिफर करेगी। पिछले वाला जो कट ऑफ है उसमें बदलाव आएगा, वो क्यों आएगा मैं विद रीजन आपको बताने वाला हूं। एक जो बड़ा बदलाव है दोस्तों वो है आपका ऑफलाइन वाला, और ऑफलाइन से भी आपके कट ऑफ में बदलाव आने के चांसेस हैं, उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। अब मैं ये नहीं बोला कि ज्यादा जाएगी कम जाएगी, वो आपके साथ में अपन डिस्कस करेंगे एक बार कि क्या बदलाव आपका आएगा। तो ये दो बदलाव है जो आपके देखे गए हैं। एक बड़ा बदलाव क्या है कि अब आपके पीजी वाले जो आपके यूजी के लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट है वो भी अब इसको क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं, यानी जिनका फोर्थ सेमेस्टर में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं वो इस बार बढ़ने वाले हैं आपके, ये बोर्ड हो गया आपका, ठीक है? मतलब बहुत बड़ा ये बदलाव है जो इस बार देखने को आपको मिलेगा। ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा, इससे भी दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, जो जैसे हम हिंदी बेल्ट के स्टूडेंट की देखें या जो विलेज बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, वो ऑनलाइन से इतना फेमिलियर नहीं थे और कुछ लोग एग्जाम ही नहीं देते थे। ऑफलाइन होगा क्योंकि इससे बहुत सारे स्टूडेंट वाकिफ हैं, तो ये भी आपके नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है जो बढ़ा सकता है। अगर पिछली बार मैं देखूँ तो लगभग 9.45 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था, इस बार ये नंबर डेफिनेटली आपका बढ़ने वाला है, ठीक है? अब देखो, सबसे पहला मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर जो कट ऑफ है वो
वो तीन कैटेगरी में कैसे आएगी, यहां पर आप कट ऑफ की बात मैं करूं, तो देखिए ये आपका 2023 का रिजल्ट है दिसंबर वाला, और इस 2023 के रिजल्ट में आप एक चीज देखेंगे यहां पर कि कट ऑफ आपकी दो कैटेगरी में आ रही है, एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यहां पर आप देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कट ऑफ आपकी जारी हो रही है यहां पर, और एक कट ऑफ है आपकी जीआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अभी यहां पर कट ऑफ जो जारी होगी वो आपकी पीएचडी की भी कट ऑफ जारी होगी, यानी तीसरा कॉलम आपको यहां पे ऐड होगा और यहां पे पीएचडी की कट ऑफ जारी होगी। तो यहां पर आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा कट ऑफ, फॉर एग्जांपल मैं इकोनॉमिक्स की आपकी कट ऑफ लेता हूं, और इकोनॉमिक्स की कट ऑफ आप देखिएगा तो यहां पर जो जनरल की कट ऑफ है वो है 180 नंबर जीआरएफ की, और नेट की जो कट ऑफ है वो है 154 नंबर। तो डेफिनेटली बात है कि आपकी पीएचडी की कट ऑफ है वो आपकी 154 से कम रहेगी, है ना। तो आप मान ली, जस्ट फॉर एग्जांपल मान रहा हूं कि आपकी 150, तो जो 154 कट ऑफ जारी थी वो पीएचडी के लिए कट ऑफ कम रहेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा कट ऑफ आपकी जीआरएफ के लिए, जीआरएफ के बाद में दूसरी कैटेगरी है नेट के लिए उससे कम, और पीएचडी की उससे कम। तो डेफिनेटली आपकी जो कट ऑफ है, पहली चीज तो ये है कि आपकी थोड़ी सी लो आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो आपके पीएचडी, जो जिनका नेट नहीं होगा वो पीएचडी के लिए क्वालिफाई करेंगे, तो आपका मतलब मैं ये संभावना बता रहा हूं क्योंकि तीन कैटेगरी है तो तीसरी कैटेगरी की कट ऑफ आपकी कम रहेगी, तो हो सकता है कि आपकी स्लाइटली कट ऑफ कम जाए, बाकी रिजल्ट आने के बाद में ही पता लगेगा। हो सकता है कि पेपर आपका थोड़ा इजी आए, है ना, तो आपकी कट ऑफ हो सकता है कि ये 180 है 190 पहुंच जाए, तो फिर ये आपकी 160 हो, ये आपकी 154-155 हो, है ना, ऐसे हो सकता है। लेकिन तीसरी कैटेगरी की कट ऑफ आने से कट ऑफ पे फर्क जरूर पड़ेगा। एक दोस्तों यहां पर आप देखेंगे जो मैंने आपको बताया कि यहां पर ऑफलाइन और ऑनलाइन, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर काम करेगा कि कुछ लोग क्या होते थे कि ऑनलाइन में पेपर को पूरा पढ़ ही नहीं पाते थे, स्क्रॉल उनसे ठीक से नहीं हो पाता था, कई बार टेक्निकल इश्यूज आ जाते थे, और कुछ जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते थे जो बहुत भारी संख्या में होते हैं वो उस टेक्नोलॉजी से वाकिफ नहीं होते, तो उसके कारण भी बहुत सारे एप्लीकेंट्स हैं जो पेपर नहीं देते थे। अभी जब से ये पैटर्न चेंज हुआ है तो बहुत सारे लोग बहुत खुश भी हैं कि सर अब हम आराम से पेपर दे सकते हैं, तो इसके कारण हो सकता है कि आपका कॉम्पिटिशन स्लाइडली बढ़े, है ना, इसकी संभावना ज्यादा है। और यूजी लास्ट ईयर के स्टूडेंट भी होंगे तो ये 9.45 लाख से तो डेफिनेटली अप आपका जाने वाला है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये सारे फैक्टर ध्यान में रखते हुए भी आपको क्या करना है, आपको अपनी तैयारी है उसको किस तरह से करना है कि आपका एक एक्सपेक्टेड स्कोर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखो पेपर वन की मैं बात करूं यहां पर, तो पेपर वन में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 क्वेश्चन 100 नंबर के आते हैं, पहली चीज आपको ये क्लियर हो, ठीक है। दूसरा हम बात करें कि पेपर टू, जो भी आपका पेपर टू है उसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और ये 200 नंबर के आएंगे, दो चीजें क्लियर है एवरीवन। अब इन दोनों के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं आपके, इन दोनों के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, अब क्वालिफाइंग और कट ऑफ है दोनों अलग अलग होते हैं आपके, क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं वो है आपके 40% फॉर जनरल कैटेगरी, 40% किसके लिए है, जनरल कैटेगरी के लिए है, और आपके यहां पर रिजर्व कैटेगरी के लिए जो है वो है आपके 35% फॉर रिजर्व कैटेगरी, फॉर रिजर्व कैटेगरी। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए, ये कट ऑफ नहीं है, ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, एवरीवन प्लीज नोट इट डाउन। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की जो आपको ध्यान में रखना है। देखो यहां पर आप देखिएगा, देखो मैंने आपको एक कट ऑफ दिखाई थी, कट ऑफ की लिस्ट आपको दिखाई है, ये इसमें आप देखो हम देखते हैं मोटे मोटे सब्जेक्ट की कट ऑफ, इकोनॉमिक्स की कट ऑफ है 180 नंबर, मतलब कि 90 क्वेश्चन आपको ठीक करने हैं। ऐसे ही आप लगभग सब्जेक्ट की देखोगे तो 60 से और 65 के बीच में, किसी किसी सब्जेक्ट की 67-68 भी चली जाती है, लेकिन ज्यादातर जो कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी वो 60 से और 65 के बीच में मिलेगी।
तो हम यहाँ पर एक अंदाजा लगा के चलते हैं कि आपको अगर यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है तो 60+% आपकी आनी चाहिए पेपर वन और पेपर टू को मिला के। अब ये 60+% आती कैसे है? जैसे आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई आपको 90 क्वेश्चन ठीक करने हैं, यानी कि 180 मार्क्स। 180 मार्क्स का मतलब होता है 60%, यही आपको बोलते हैं सब लोग। अब ये 60% मार्क्स आपके आएंगे कैसे? देखो, 40 क्वेश्चन इसके लिए आपको पेपर वन में ठीक करने पड़ेंगे और 50 क्वेश्चन आपको पेपर टू में ठीक करेंगे, जो कि थोड़ा सा रियलिस्टिक नहीं लगता है, क्योंकि पेपर वन में 40 क्वेश्चन ठीक होने का मतलब ये कि आप सुपर डुपर इंटेलिजेंट हो। और एक चीज आप मान के चलिए कि एनटीए भी इसमें थोड़ी सी चालाकी बरतता है, क्योंकि उसको चाहिए सब्जेक्ट के एक्सपर्ट। पेपर वन तो जनरल पेपर है भाई, आप पेपर वन में आप 40 अगर क्वेश्चन ठीक कर रहे हो तो 50 क्वेश्चन पे ही आपका सिलेक्शन हो जा रहा है, अगर 60% आपकी कट ऑफ जा रही है। तो देखो, ये थोड़ा सा रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि पेपर वन में सब कोई 40 क्वेश्चन नहीं कर सकता है, इस बात को ध्यान में रखिए आप सब लोग। तो थोड़ा सा रियलिस्टिक टारगेट बनाइए। इसको मैं आपको बोलता हूं कि अगर आप 30+ का टारगेट इसका बना लो सब लोग, कि कोई भी आपका पेपर हो, कोई भी मतलब कोई भी पेपर हो पेपर टू में 84 सब्जेक्ट में, लेकिन आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि मुझे 30+ क्वेश्चन तो ठीक करने ही करने हैं, इससे नीचे मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, चाहे आप 35 करके आओ, 40 करके आओ, या 45 करके आओ, लेकिन 30 से नीचे आपको नहीं आना है, पहली चीज तो ये। उसके बाद में दोस्तों, आपका पेपर टू है उसमें कम से कम 60 क्वेश्चन आपके ठीक हो, तब जाके आप 60% वाले पे होंगे। तो आप एक टारगेट बना लीजिए कि 30+ तो मुझे पेपर वन में करना ही करना है, आप 40 तक जाओ, 45 तक जाओ, और 60+ क्वेश्चन मुझे पेपर टू में ठीक करना है, एक्स वाई जेड आपका कोई सब्जेक्ट हो, इससे कम में तो सिलेक्शन है वो आपका नहीं होने वाला है। उसके बाद आप क्या करेंगे सब लोग, उसके बाद मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, और ये आपको करना ही है, जेन्युइनली बोल रहा हूं कि सब लोग पिछली साल की कट ऑफ को आधार मानो, और उससे अबव ही आपका स्कोर है वो रहना चाहिए, उससे कम आपकी बात नहीं बनने वाली। तो इकोनॉमिक्स की आप 180 नंबर कट ऑफ है, उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ है 216 नंबर, 216 नंबर आपकी कट ऑफ गई है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में आपका यहाँ पर देखेंगे सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी की जो कट ऑफ है वो है 210 नंबर, 210 नंबर सोशियोलॉजी की कट ऑफ है। उसके बाद में आप देखेगा यहाँ पर हिस्ट्री की कट ऑफ, हिस्ट्री की जो कट ऑफ है वो है 204 नंबर। अगर आपके पास में ये कट ऑफ वाली लिस्ट नहीं है तो मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा, है ना। आप सब लोग क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, नेट जी आर एफ विद शिव, है ना, नेट जी आर एफ विद शिव, ये टेलीग्राम चैनल है जो आप सब लोग ज्वाइन कर लीजिए, है ना। यहाँ पर मैं इस पीडीएफ को शेयर कर दूंगा आपके लिए, तो आप सब लोग इसको देख लेना, ठीक है। ऐसे ही आप बाकी सब्जेक्ट की कट ऑफ भी यहां से देख सकते हो, जितने भी आपके मेन मेन सब, एंथ्रोपोलॉजी है, कॉमर्स की देखिए आप, कॉमर्स की कट ऑफ थी 184। तो ये सारी कट ऑफ है जो इस लिस्ट में आपको मिल जाएगी, ये एनटीए की वेबसाइट पे भी आपके लिए अवेलेबल होगी, और गूगल करोगे तो भी मिल जाएगी, अगर आप नहीं कर सकते तो टेलीग्राम चैनल पर आप देख लेना। तो कट ऑफ की मैं बात कर रहा था कि आप सब लोगों को रियलिस्टिक टारगेट बनाने हैं, पिछली वाली कट ऑफ को आधार बनाना है, और उससे ऊपर की तैयारी आपको करनी है। 60% से नीचे सिलेक्शन नहीं होने वाला, ये आप छोड़ दीजिए, क्योंकि कंपटीशन है ये बहुत बढ़ चुका है। पेपर वन में 30+ क्वेश्चन आपके होने चाहिए सही, और पेपर टू में 60+ क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, इससे कम में बात नहीं बनेगी। तो ये आपका क्या रहेगा, एक सेफ स्कोर रहेगा अनुमानित। बाकी देखो, पेपर आएगा उसके बाद ही पता लगेगा, लेकिन आपने गोल तो आप डिसाइड कर सकते हो कि सर हमें 60% से ऊपर लेके आना है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके सामने मुझे डिस्कस करनी थी, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये हेल्प करेगा आपके टारगेट बनाने में, आपके गोल डिसाइड करने में। बाकी इसके अलावा कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर अच्छे से डिस्कशन और भी कर लेंगे गाइस। ठीक है जी, इसके अलावा बाकी कोई डाउट है तो बता दीजिए, और मैंने कोर्सेज के बारे में ऑलरेडी आपको बता ही दिया है, हमारे कोर्सेज के बारे में, तो वो आप देख सकते हैं। तो गाइज, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए दोस्तों इतना ही है, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, बेस्ट ऑफ लक।